जीतने के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस तेरे इरादों में जीत ही होनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा सिलेक्शन होने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि मेरे पास एक स्टडी प्लान था, और वो स्टडी प्लान मैंने एक दो दिन के लिए फॉलो नहीं किया, वो पूरे मैंने 2.5 महीने के लिए फॉलो किया है। तो आप लोगों में से जिसने भी अभी तक मेरी स्टोरी देखी होगी, आपको पता होगा कि मैंने लास्ट के 2.5 महीने में ही अपनी प्रिपरेशन क्यों की थी। और जिसको नहीं पता हो तो मैं अपनी स्टोरी वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, टाइम निकाल के पक्का देखना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैंने भी सुना था, सुनते थे काफ़ी कि सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल नहीं थी। मैं रात को लेट तक पढ़ती थी और सुबह लेट तक सोती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि जब यूँ होता है ना कि मुझे सिलेक्शन चाहिए हर कीमत पर चाहिए, तो तब वो ये नहीं देखता कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, तब उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है। आपको बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती थी। एक परफेक्ट शेड्यूल बताने में तो मैं भी विश्वास नहीं रखती, क्योंकि ऐसा परफेक्ट चीज़ हो ही नहीं सकती कि मैं आपको बता दूँ कि हाँ इतने मिनट से इतने मिनट तक मैंने ये पढ़ा तो आप भी ऐसे पढ़ना, ये नहीं हो सकता, ये फॉलो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको मेरा बताती हूँ मोटा मोटा। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं सुबह 3 बजे उठती थी, और 3 बजे उठती थी इसका मतलब ये नहीं कि मैं बचपन से 3 बजे उठती आई हूँ, या फिर मैंने जब भी पढ़ना स्टार्ट किया मैं 3 बजे ही उठती थी हमेशा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पहले हमेशा 8 बजे से पहले कभी नहीं उठती थी, लेकिन वही है, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर क्रैक करना है नेट तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मैंने अपनी नींद सेक्रीफाइस की थी, जिसके बदौलत मैं आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठी हुई हूँ। मैं पहले 6 बजे उठना स्टार्ट किया, फिर 5 बजे उठना स्टार्ट किया, फिर 4 बजे, ऐसे करके 10 दिन में मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी कि मैं 3 बजे उठने के लिए रेडी थी। और वो भी ऐसा नहीं था कि मैं मन मार के उठती थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठती थी, कभी कभी तो अलार्म से पहले मेरी आँख खुल जाती थी। तो वो जुनून चाहिए यार, जब वो जुनून आपके अंदर आ जाएगा ना, तब कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका अपने आप सिलेक्शन की तरफ चलते जाओगे। आपके पास 6 महीने हैं अभी, मैं मानती हूँ कि ये काफ़ी बड़ा टाइम है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत कम टाइम होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं मुझसे खुद से मैं कंपेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा टाइम आपके पास है, और आप तो बहुत ईजिली 650 क्रॉस कर सकते हो। क्योंकि जब मैं 2.5 महीने पढ़ के मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं मैं टॉप ना कर दूँ, तो आपके पास तो फिर भी 6 महीने हैं। मैं सुबह 3-4 बजे आप लगा लो अप्रोक्स मैं उस टाइम उठ जाती थी, 2-3 घंटे लगातार मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी। लोग बोलते हैं कि उठ के आप सुबह बायो पढ़ो, लेकिन मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलूँगी आपको, क्योंकि बायो जैसा सब्जेक्ट ऐसा है कि आप दिन में भी कभी पढ़ सकते हो। बायो सबको इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आपने मेडिकल ले रखा है, बायो वाली फील्ड में आप हो, तो इट मीन्स कि आपको बायो इंटरेस्टिंग लगती थी तभी आपने बायो ली। तो जब आपका मन ना कर रहा हो पढ़ने का, तब भी आप बायो पढ़ सकते हो। मैंने रक्षिता सिंह, मैं उनको फॉलो करती थी अपने टाइम पे, तो मैंने उनकी एक बात सुनी थी कि कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो वो चैप्टर आप सुबह पे डाल दो और डेली आप उस चैप्टर को 1 घंटा दो, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, खुद पे मैंने वो किया हुआ है। मुझे इनऑर्गेनिक काफ़ी हार्ड लगती थी, क्योंकि वो रट्टा मार होती हैं, तो मैंने क्या किया था कि मैं सुबह का जो 2-3 घंटे का जो स्लॉट है, मैं उसमें केमिस्ट्री पढ़ती थी। केमिस्ट्री में भी फिजिकल नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आप ऐसे कर सकते हो, अगर मैं आपको एक परफेक्ट बताऊँ कि आपको कैसे पढ़नी है इनऑर्गेनिक, तो आप क्या करो, डेली सुबह उठते ही 1 घंटे जो आपने पिछले दिन पढ़ा है, लास्ट डे जो आपने पढ़ा है, आप पहले वो रिवाइज करो। अगर मैं आपको इनऑर्गेनिक का बताऊँ तो आप पहले वो रिवाइज करो, उसके बाद आप एक ग्रुप और पढ़ो, एक ही ग्रुप पढ़ना है, जैसे पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स हैं आप डेली एक ग्रुप पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप 2 ग्रुप एक दिन में पढ़ रहे हो फिर सारा मिक्स होने लगता है, तो ऐसे मत पढ़ना, आप डेली एक ग्रुप पढ़ो, नेक्स्ट डे पहले उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट ग्रुप पढ़ो। ऐसे करके आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह, सुबह आप वैसे इतने जोश में होते हो उठते कि हाँ भाई मैं उठाऊँ सिलेक्शन लेना है, तो आप पता भी नहीं चलता आपने कब वो पढ़ लिया। तो मैं सुबह डेली पहले मैंने ऑर्गेनिक पढ़नी स्टार्ट की थी ऐसे ही, फिर मैंने इनऑर्गेनिक पढ़नी स्टार्ट की थी, और ऐसे करके कब ये दोनों चीज़ें मेरी इतनी अच्छी हो गई थी मुझे ही पता नहीं चल रहा था। और सुबह पढ़ के आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने अपने दिन की शुरुआत इतनी अच्छी की, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू बायो, क्योंकि बायो आपको पता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उस बाद थोड़ी सी मेहनत करके भी। उसके बाद क्या होता था, एकदम से घर वाले सब उठ जाते थे, मेरे घर पर सब लेट उठते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वो हो जाता है। तो उसके बाद मैं क्या करती थी, फिर मैं अपनी फिजिकल लेके बैठती थी, फिजिकल में भी मैं अपने न्यूमेरिकल सोल्व करती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनता था, और मैं ब्रेकफास्ट के बाद मुझे आदत है थोड़ा लेटने की,
क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती उसमें, तो मैं क्या करती थी, मैं उसमें लेट के PYQs सोल्व करती थी। PYQs कैसे, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर मैंने सुबह लाइक ग्रुप पढ़ा है तो मैं उसके यूट्यूब पे लाइक देखती थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसी है कि आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब से लाइक देख के भी कर सकते हो, तो मैं वो करती थी उसके बाद। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मैंने लाइक सुबह से लेके जो सुबह 6-7 बजे तक जो मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार पढ़ती थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ब्रेक लो, लेकिन मैं अपने ब्रेक को एज ए लाइक रिविज़न मैं उसको यूज़ करती थी। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सेकेंड में मुझे बोर हो गई, मैं क्या करती थी, मैं उस टाइम बायो पढ़ती थी, मुझे बायो इतना इंटरेस्टिंग लगता था हमेशा से ही, तो मैं अपनी NCERT हमेशा अपने साथ रखती थी। लाइक मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स, लेकिन मैं अपनी बायो की NCERT हमेशा अपने पास रखती थी। और उस टाइम पे फिर मैं अपनी एक 30-45 मिनट निकाल के एक बायो का एक पूरा चैप्टर मैं अच्छे से पढ़ लेती थी। तो एक ये मैं नई चीज़ करती थी, आप खुद से ही चीज़ करके देखना, आपको सच में फील होगा कि हाँ आपका ब्रेक भी हो गया और आपका बायो का एक चैप्टर भी रिवाइज हो गया। रिवाइज करना है उस टाइम पे, क्योंकि आप नया चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन रिवीजन करने में आपको इतना जोर भी नहीं पड़ता और वो एज ए ब्रेक ही आपका जाता है। उसके बाद मैं 10 से 1, हमारे घर में उस टाइम पे बहुत शांति होती थी, तो मैं 10 से 1 क्या है अपना फिजिक्स पढ़ती थी, क्योंकि मेरी फिजिक्स हद से ज़्यादा वीक थी, हद से ज़्यादा वीक। और मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि मैंने कैसे अपनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग की कि मेरे फिजिक्स में 100 नंबर आ गए थे, और वो भी तब आया जब मेरा पेपर छूट गया था, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी था मेरा, तो फिजिक्स मेरी छूट गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरे 100 नंबर आए, तो मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ ये, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी फिजिक्स में, बहुत मेहनत की थी। तो मैं वो 3 घंटे लाइक फिजिक्स पढ़ती थी, और फिजिक्स में मैं क्या पढ़ती थी कि मेरे लाइक इतनी वीक थी कि मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व ही नहीं कर सकती थी, तो मैं लाइक पहले सोल्व्ड क्वेश्चन जो होते हैं, सोल्व्ड एग्जाम्पल सोल्व करती थी, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि हाँ धीरे धीरे मैं कर पा रही हूँ क्वेश्चन को, तो ऐसे मैं करती थी। उसके बाद मैं लंच करती थी, और लंच के बाद भी सेम वही दिक्कत कि मैं बैठ के नहीं पढ़ सकती, तो मैं अपना लेट के लाइक वही PYQs में दोबारा देखती रहती थी, क्योंकि PYQs मैं पिछले लाइक मैंने काफ़ी सोल्व किए हैं, 10-15 साल के सोल्व किए थे, तो वो पता ही नहीं चला कब हो गए, कब मैं खाना खा के लेटती मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायो के कब पढ़ लिए, मुझे खुद ही पता नहीं चला। तो एक यार एक इफेक्टिव वे में पढ़ना है आपको, इफेक्टिव वे यही होता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, दिन रात बच्चे एक करते हैं सबके, आप घर वालों जाके पूछो, जिसके 300 नंबर भी आ रहे हैं ना उसके घर वाले बोलते हैं कि बच्चा बहुत पढ़ा था। तो वही है यार कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। उसके बाद मैं 3 से 6 बायो पढ़ती थी, और बायो में भी यूं नहीं कि मैं वो 3 घंटे में एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, क्योंकि कई बार पता क्या होता है हम NCERT पढ़ते पढ़ते लाइक हम 4-5 लाइन पढ़ेंगे फिर हम कहीं गुम हो जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर हम कहीं गुम हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप टाइम लगा के बैठो, कि आपने फोन में टाइम लगाया कि आप आधे घंटे में चैप्टर कंप्लीट करोगे, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि मैंने टाइमर सेट किया हुआ है, तो आप वो फालतू की बेफिजूल चीज़ें ना सोचें, बल्कि अपना अपना चैप्टर कंप्लीट करने में ज़्यादा ध्यान दें। तो ऐसे करके मैं 4-5 चैप्टर कर देती थी उस 3 घंटे में। पूरा दिन का लाइक पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, तो मैं अपनी मम्मी से बातें करती थी, छत पे घूमती थी, तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि कहीं बाहर में लाइक खुले में कहीं घूम सकते हो। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं डिनर रात को 10 बजे के बाद करती थी, क्योंकि इतना थकने के बाद पूरे दिन में डिनर करते आपको नींद आ जाती है। फिर मैं क्या करती थी, 1 घंटे घूमने के बाद 7 से 10 मैं अपना रिवाइज करती थी। आप लोग पूछते हो ना कि दिन रिवीजन कब करें, और मैं आपको बोलती थी कि मैं डेली रिवाइज करती थी, ताकि लास्ट में जाके बर्डन ना हो जाए कि मैंने लाइक 2 महीने में इतना पढ़ लिया और उसके अगले टाइम पे पता ही नहीं कि 2 महीने में इतना पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, सब साफ हो गया। तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपको रिवीजन पे ध्यान देना होगा। रिवीजन की टू सिलेक्शन मैं उसको बोलूंगी, कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। जी आपने पूरे 2-3 साल कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया ना, कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। और फिर मैं 10 बजे सो जाती थी। मैं पता क्या करती थी, सोने से पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं बेड पे बैठ के या फिर स्टडी टेबल पे बैठ के कभी नहीं पढ़ती थी। मैंने अपनी एक जगह बनाई हुई थी, मैंने एक गद्दा रखा हुआ था और अपनी छोटी वाली स्टडी टेबल रखी हुई थी, तो मैं वहीं बैठ के पढ़ती थी हमेशा। और मैं रात को लाइक सोने से पहले मैं वहाँ पे अपनी केमिस्ट्री की बुक रख के आ जाती थी, केमिस्ट्री की और बायो की, कि हाँ मैं सुबह 1 सेकंड भी वेस्ट ना करूँ, क्योंकि सुबह का टाइम मुझे लगने लग गया था कि भाई इतने सालों से कहाँ थी मैं। सच में आप एक बार ट्राई करके देखना सुबह का टाइम, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं सुबह पढ़ी तब जाके मेरा सिलेक्शन हो पाया, वरना इतना सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं था 2.5 महीने में। लेकिन सुबह का टाइम इतना ज़रूरी है कि आप 2-3 घंटे में इतना सब कुछ कवर कर लेते हो, और आप पूरा दिन इतना खुश रहते हो फिर कि हाँ मेरे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो गई है। तो मुझे लाइक पता है, आप जब जल्दी उठते रहो तो दिन में आपका 1 सेकंड वेस्ट करने का लाइक ख्याल नहीं आता दिमाग में, क्योंकि आप सोचते हो कि मैंने अपनी नींद छोड़ के सुबह में पढ़ा था तो मैं दिन में कैसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एक बार सुबह आप उठना स्टार्ट करो, मेरे कहने पे आप 7 दिन तक उठ के देखो। ऐसा नहीं अभी ठंडी आ रखी है तो ये नहीं कि आप 3 बजे उठ रहे हो, लेकिन 5 बजे के लगभग आप उठ के देखो और फिर मुझे बताना कि मजे आ गए पढ़ के। तो ऐसे इफेक्टिव वे में स्टडी करोगे तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। और मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन इस चीज को पहले से फॉलो कर रहा था और कौन इसको अब फॉलो करना स्टार्ट करेगा। बाय बाय।